एवरी वन, गुड मॉर्निंग। तो अभी है मॉर्निंग का टाइम और आज का दिन मैं बता दूँ, आज शनिवार सैटरडे, तो मॉर्निंग का 7:30 बजा होगा और काफ़ी ज़्यादा धूप भी आ गई छत पे। तो मैं वॉक करने के लिए आ जाती हूँ मॉर्निंग पे 7, 7:30 जब भी मुझे टाइम मिलता है। कभी कभी मतलब पापा को चाय वगैरह देनी होती है तो 7:30 बज जाता, आते आते 7 बजे तो मैं उठती हूँ। तो ये देखिए आधी छत पे धूप आ गई है और आधे पे नहीं है, तो मैं वहीं पे वॉक कर लेती हूँ। अच्छी सी हवा भी चल रही है, तो जब मॉर्निंग पे ऊपर आ जाओ तो मन नहीं करता कि नीचे जाओ। अच्छी सी हवा चल रही है, उसी के साथ साथ मैं अपना गुनगुना पानी भी ले यहीं पे वॉक करते हुए पी लेती हूँ। तो मैंने सोचा काफ़ी दिन हो गया, चलो एक ब्लॉग ही शूट करते हैं। यार बहुत दिन हो गया सोचती हूँ पर टाइम ही नहीं मिलता यार बिल्कुल भी। तो चलिए वॉक कर लेती हूँ, फिर थोड़ी देर बाद आप लोगों से मिलूँगी। तो यहाँ पर मैं पी रही हूँ थोड़ा सा गर्म पानी और उसी के साथ साथ वॉक भी हो जाती है थोड़ी सी, क्योंकि सुबह का मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। और नहा करके पूजा वगैरह भी मेरी हो गई है, उसके बाद मैं जा रही थी ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो चलो आप लोगों को दिखाती हूँ कि क्या खा रही हूँ आज, मैं ब्रेकफास्ट में क्या ले रही हूँ। कुछ खास नहीं है, ये सूप्ड आलमंड है। तो यहाँ पर आलमंड के साथ मैं मिल्क ले रही हूँ और यही रहेगा आज मेरा ब्रेकफास्ट। कभी कभी ओट्स ले लेती हूँ, कभी मन नहीं होता है तो नहीं लेती हूँ। बस इसी में मैं प्रोटीन पाउडर अपना डाल करके थोड़ा सा बस इसको ही ले लूँगी और उसके बाद कुछ अगर खाने का मन करता है तो और खाती हूँ, लेकिन पहले मॉर्निंग में यही लेती हूँ। अगर मुझे कुछ ऑयली या कुछ भी बना के खाना होता है ब्रेकफास्ट में तो उसके पहले मैं खा लेती हूँ, फिर लेती हूँ कुछ भी। तो यहाँ मैं आ गई ब्रेकफास्ट करने के बाद लंच की तैयारी करने। तो मैंने इधर दाल रख दी है और इधर मैं भिंडी काट ले रही हूँ, थोड़ी सी रखी थी तो मैंने सोचा चलो इसकी ही हो जाएगी दाल के साथ। तो थोड़ी सी भिंडियाँ हैं तो इनको भी कट करके बना लूँगी। तो अभी मुझे शॉप जाना होता है तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी से जितना हो सकता है उतना लंच तैयार करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि फिर 10:30 तक चली जाती हूँ, 10-10:30 तक। उसके बाद फिर मैं आऊँगी 1 बजे के आसपास, तो 1-1.5 बजे के आसपास, तो फिर लेट हो जाता है लंच करने में बहुत ज़्यादा। और फिर इतनी गर्मी भी होने लगती है कि मन नहीं करता कुछ भी करने का। तो बस यहाँ वही मैं कर रही हूँ और भिंडी हस्बैंड ने बोला है कि मैं बनाऊँगा तो मैं कट कर दूँगी, पूरी तैयारी कर दूँगी, तो वही बनाएंगे आज। कुछ अलग बनाने वाले हैं, भिंडी पता नहीं कैसी, तो उनको प्याज वाली नहीं पसंद है। तो इधर उन्होंने देखो भिंडी छौंक भी दी, कढ़ाई चढ़ी है मेरी, और इधर मैं दाल पलट के इसी पे चावल रख दूँगी। तो यहाँ पर मैं चावल रखने के साथ साथ थोड़ा सा कढ़ाई पे भी ध्यान दे रही हूँ सब्जी में, क्योंकि वरना वो जल जाएगी। और लोहे की कढ़ाई है तो बहुत ज़्यादा जल्दी जल लगने लगती है सब्ज़ी, और भिंडी में तो पानी भी नहीं पड़ता, तो इस वजह से मुझे देखना पड़ रहा है बीच बीच में उसे भी। और इसके बाद मैं आटा लगा दूँगी, तो बस सारा प्रिपरेशन हो गया लगभग मेरा। फिर दोपहर में मुझे रोटियाँ ही बनानी होंगी, सब तैयार है। आधा लंच तैयार हो गया है और उसके बाद मैं आ गई यहाँ पर, क्योंकि मैंने दाल बनाई थी तो उसका थोड़ा सा पानी मैं ले लेती हूँ जब भी दाल बनाती हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है हेल्थ के लिए, इसलिए थोड़ा सा मैं ले लेती हूँ। तो दाल बन गई मेरी, चावल मैंने रख दिया, सब्जी भी तैयार हो गई इधर, बस मुझे रोटियाँ बनानी है। तो इसके बाद मैं शॉप चली जाती हूँ, तो वहाँ से आ करके तब बनाना पड़ता है, इसलिए जल्दी जल्दी से बना लिया। अभी 10 बजा होगा मॉर्निंग का, तो चलिए पी लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलूँगी थोड़ी देर के बाद। तो
तो अभी हो गई है दोपहर, मैं शॉप से भी आ गई। ये रहा मेरा लंच, तो दाल चावल सब्जी रोटी और सैलेड में मैंने खीरा और प्याज काट लिया था थोड़ा सा, क्योंकि बिना इसके मज़ा नहीं आता खाना खाने में। तो यही था मॉर्निंग में जो मैंने ये सब बनाया था। और उसी के साथ साथ मैं थोड़ा सा यहाँ पे दही ले लेती हूँ, जो कि मैं घर पे ही जमा रही हूँ इस टाइम। कभी कभी बाहर से ले आती हूँ, कभी घर पे ही जमा देती हूँ जब टाइम रहता है, याद आ जाता है। तो यहाँ पर मैं खाने बैठ भी गई हूँ, चलिए खा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। यह है शाम का टाइम और मैंने लंच किया दोपहर में, फिर उसके बाद थोड़ी देर के लिए रेस्ट किया, थोड़ी देर क्या 1-1.5 घंटे रेस्ट किया। फिर उसके बाद बच्चे आ जाते हैं तो उनकी कोचिंग का टाइम हो जाता है, तो बस वही देखते देखते अभी मैं फ्री हुई हूँ। बज रहा है 8:30 बजने वाला है, तो बस डिनर की प्रिपरेशन कर रही थी। तो डिनर में आज मुझे कुछ ज़्यादा नहीं बनाना, हंडवा बनाना है, तो मैंने उसके लिए उसका पूरा बैटर तैयार कर दिया था। तो बस कुछ वेजिटेबल्स मुझे कट करनी है एंड ग्रेट करनी है, उसके बाद बनाना है नॉर्मली। तो बस आज हम लोग वही खाएंगे, डेली डेली बोर हो जाते हैं खाने से भी। तो आप लोगों से कुछ बातें भी करनी थी, इसलिए मैंने ब्लॉग शूट किया, क्योंकि आज मैं कुछ ज़्यादा ही खुश थी। तो बताऊंगी आप लोगों से 1-2 दिन में, हो सकता है नेक्स्ट जो ब्लॉग आए या वीडियो आए तो उसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। 1-2 चीज़ें हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करनी है, जो कि मैंने अभी तक आप लोगों को बताई नहीं है। तो चलिए सबसे पहले मैं प्रिपेयर कर लेती हूँ डिनर जल्दी से। आज बाहर बहुत अच्छी हवा चल रही है, तो मन कर रहा है कि बस ऊपर टहलने चली जाऊँ। बाहर निकलो तो अंदर आने का मन ही नहीं कर रहा है। बारिश तो नहीं हो रही लेकिन हवा बहुत अच्छी चल रही है। तो चलिए प्रिपेयर कर लेती हूँ जल्दी जल्दी से अपना डिनर, किचन में चलते हैं। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ अपने डिनर की प्रिपरेशन करने। तो यहाँ पे मुझे बनाना है हांडवा, तो कुछ वेजिटेबल्स कट करके मैं उसमें डालूँगी, और लौकी थोड़ी सी डाल दूँगी कद्दूकस करके। तो ये देखिए बन करके तैयार भी है। तो मैं कढ़ाई पे ही बना लेती हूँ, तो दोनों कढ़ाइयों पे मैंने चढ़ा रखा है एक एक तरफ, ताकि जल्दी जल्दी बनता जाए, रुकना ना पड़े, वेट ना करना पड़े खाने के लिए। तो ये देखिए कुछ ऐसा सर्व कर दिया है मैंने, उसी के साथ साथ चटनी है। रोज़ रोज़ बोर हो जाते हैं यार डेली के खाने से, तो बस यही बना लिया मैंने। तो ये मिल रही हूँ मैं आप लोगों से। नेक्स्ट डे संडे का दिन है और शाम को हम लोग कहीं ना कहीं घूमने जाते ही हैं, तो बस ये मॉल पे आ गई थी एक, मैंने थोड़ा सा वीडियो शूट किया क्योंकि यहाँ का डेकोरेशन बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया, बस थोड़ी सी क्लिप ली थी। और उसके बाद हम लोग चले गए थे मैकडी, तो थोड़ा बहुत हम लोगों ने वहाँ पे खाया जो भी खाना था। वीडियो को यहीं पर करूँगी एंड मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।